हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों, यहाँ पर हम क्लास 10th चैप्टर 3 साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, इससे पुराने लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। साथ ही हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस किए थे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि अगर आप किसी भी मेटल्स को या किसी भी नॉन मेटल को किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ, किसी अदर सब्सटेंस के साथ, केमिकल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा। अगर आप एयर में रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा। अगर आप उसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तब क्या होगा। एसिड से क्या इफेक्ट होता है, बेस से क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों, ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अगर आप मेटल्स को बर्न करते हो, उनको जलाते हो, तब क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ठीक है बच्चों, अगर आप एयर में इनको बर्न करते हो तब क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों, बर्न करने का जो मतलब है वो मतलब होता है आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम इसकी जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म हो जाएगी बच्चों, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल बच्चों, अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका बनता है CuO मींस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो कॉपर ऑक्साइड बच्चों क्या होता है, अगर आप इसको एयर में बर्न करोगे तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों लिखेंगे कैसे, When copper is heated in air, it combines with oxygen to form कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, अ ब्लैक कलर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका कॉपर ऑक्साइड और ये होती है आपकी एक रिएक्शन अगर आप किसी भी मेटल को
बर्न करते हो। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अगर आप, या आपने पहले चैप्टर में एग्जांपल पढ़ा है, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक बात आपकी नोट करने की यह है कि अगर इनके नेचर की बात की जाए तो जितने भी बच्चों आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी बच्चों इनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे बात करते हैं बच्चों। अगर बात की जाए, मेटल ऑक्साइड होते हैं कुछ आपके बेसिक नेचर तो शो करते ही हैं, साथ में एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी क्लास को एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो होता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चों? कुछ मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो बच्चों क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में? सम मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सम मेटल ऑक्साइड्स सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड, बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका Al2O3। तो बच्चों इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन क्या होती है? अगर आप एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो आपका बनता है Al2O3। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है बच्चों, ये होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर एक और एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो इसका एक और एग्जांपल हो सकता है आपका जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बच्चों आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ZnO। और बच्चों आपका ZnO भी कैसे बनता है? अगर आप जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका बनता है बच्चों ZnO। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आपकी आपकी केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड्स जो आपके एसिडिक बिहेवियर के साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। बच्चों अगर बात की जाए कि क्या सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन से सेम बिहेवियर शो करते हैं, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। सारे के सारे मेटल्स अपने अपने अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के साथ अलग अलग बिहेवियर एंड रिएक्टिविटी शो करते हैं। कुछ ऑक्सीजन में अगर आप बर्न करोगे तो बर्न हो जाएंगे,
कुछ आपके ऑक्साइड बनाकर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, सारे के सारे मेटल्स आपके सेम बिहेवियर शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम विद ऑक्सीजन। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं उनको ओपन एयर में नहीं रखा जाता, उनको केरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है, बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ बहुत विग्रस होती है, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी लिब्रेट होती है कि हम उनको ओपनली प्लेस नहीं कर सकते। मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट सो विग्रसली विग्रसली दे कैच फायर इफ कैप्ट इन द ओपन। ठीक है बच्चों, तो आप इनको ओपन नहीं रह सकते क्योंकि उससे क्या करते हैं, ये आपका फायर को कैच कर लेते हैं। बच्चों आपके 10th क्लास में ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर सोडियम और पोटेशियम को ओपन में क्यों नहीं रखा जाता, और अगर आप इनको ओपन में ओपन एयर में एटमॉस्फेयर में रखोगे तो क्या होगा। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा आप आंसर दोगे कि इफ़ वी प्लेस सोडियम एंड पोटेशियम इन ओपन एनवायरनमेंट दे कैच फायर एंड बर्न इट्सेल्फ। ठीक है बच्चों, हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर ठीक है बच्चों, दे आर कैप्ड और इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बच्चों इसका सेकंड केस आता है कि कुछ जो आपके मेटल्स होते हैं वो बर्न नहीं होते, वो अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, सम मेटल्स फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ठीक है बच्चों, ये कहना ठीक होगा कि जो उनके ऑक्साइड की लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, जो उनको ऑक्सीडेशन से या बर्निंग से प्रिवेंट करती है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल के साथ बात करते हैं, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हो, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, बच्चों ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं मैग्नीशियम के बारे में, ऑर्डिनरी टेम्परेचर
द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज, बच्चों का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था मैग्नीशियम, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है बच्चों, और एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है जो उसको बर्निंग से प्रिवेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी उसको दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकती है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं द प्रोटेक्टिव लेयर prevents the metal from further oxidation, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के आपके ये जो एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम होते हैं, अगर आप इनको ओपन में रख दोगे तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी और वो ऑक्साइड की लेयर आपको दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में ब्लॉक कर देगी एक्शन को, ठीक है बच्चों। इसी से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आप कभी भी मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हो तो उसको पहले क्लीन किया जाता है। क्यों किया जाता है बच्चों? अगर मैग्नीशियम आपका रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी हुई है और वो लेयर आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन को रोकेगी, तो आपको वो लेयर हटाने के लिए पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना होगा और उसके बाद ही आप मैग्नीशियम को फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, कुछ मेटल्स आपके रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, और अगर करते हैं तो बर्न नहीं होते। सम मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कुछ मेटल्स आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो कैसे, क्या पता चलेगा बच्चों आपको, कैसे पता चलेगा कौन कौन से मेटल हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं आयरन, बच्चे को भी आपने आयरन को जलते हुए देखा है, नहीं देखा ना? आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, ठीक है बच्चों। आपका आयरन तो कभी बर्न नहीं होता अगर आप उसको हीट करोगे, बट बच्चों जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो आपके बर्न हो जाती हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ रखा है, अगर आप आयरन को बर्न नहीं कर सकते हीटिंग में तो आप आयरन फिलिंग को कैसे बर्न कर सकते हो, कैसे वो जल जाती हैं? लिख देते हैं बच्चों ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रेसली वैन स्प्रिंकल्ड इन द फायर, इन द फायर, ठीक है। और बच्चा आप देख सकते हो फ्लेम ऑफ द बर्नर, क्योंकि आप तो केमिकल में, और ये तो आप लैब में करने वाले हो, ऑफ द बर्नर। तो बच्चों क्यों होता है ऐसा? तो बच्चों ये सारा का सारा खेल है आपका सरफेस एरिया का। आयरन को अगर आप कंप्लीटली बर्न करोगे तो बच्चों उसमें क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे हीट आपका उसको बर्न करने के बजाय उसको ट्रैवल करना शुरू करती है उसके थ्रू,
ठीक है बच्चों। बट आयरन फिलिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया आपका बहुत कम होता है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसका इग्निशन पॉइंट कम हो जाता है, यानी काफ़ी कम टेम्परेचर पे आके भी वो बर्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिखा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका रीजन लिख देते हैं, इसको ध्यान से समझना। When we heat iron, ठीक है, it has large surface area due to which it does not reach to its ignition point or ignition temperature and heat ट्रांसफ़र थ्रू इट। बट बच्चों जो आयरन फिलिंग्स की बात करोगे तो ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया, बट इन केस ऑफ आयरन फिलिंग्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया दे अटेन देयर इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर एंड बर्न ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले या अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन सामने आ जाए कि आयरन तो नहीं जलता लेकिन आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो फिलिंग्स होती हैं, वो आपके बर्न हो जाती हैं, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है, आयरन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो अपने इग्निशन पॉइंट पर नहीं पहुँचता और उनसे हीट ट्रैवल करती रहती है। बट आयरन फिलिंग्स का सरफेस एरिया तो बहुत कम होता है तो उनका इग्निशन पॉइंट भी कम होता है और वो जल्दी से क्या होते हैं, अपने इग्निशन टेम्परेचर को रीच करके बर्न हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका, सम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्यों नहीं करते या क्यों करते हैं, ये उसका एक रीजन था। तो बच्चों इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हम ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए मेटल्स को यूज करते हैं, वो है बच्चों आपका एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या होता है, ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं एक बार। बच्चों पूछा गया है आपका एग्जाम्स में, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है बच्चों। और बच्चों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी भी मेटल्स के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी तो वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगी, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट होगा बच्चों, रेजिस्टेंट टू
फर्दर कोरोजन, कोरोजन बोल दो बच्चों या ऑक्सीडेशन बोल दो, मैं लिख देता हूँ, और ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये था आपका प्रोसेस एनोडाइजिंग, जिसमें आपका क्या होता है एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि आपके मेटल्स किस तरह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही आपके मेटल मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस। तो चलिए इसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले बात करते हैं कि आपके जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो एसिड से कैसे रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है बच्चों, तो मेटल ऑक्साइड आपके एसिड से कैसे रिएक्ट करेंगे, तो बहुत सिंपल सा बच्चों इसकी एक इक्वेशन है कि आपके मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो बच्चों इसका एक बेसिक सा आप समझ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, सॉरी सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि अगर आपका एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। और अभी हमने आपको बताया है कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बच्चों अगर आपका बेसिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो हम इसका सिंपल लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, मेटल ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर, और ये बच्चों आपका एसिडिक। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आप एल्युमिनियम ले सकते हो, एल्युमिनियम आपका दोनों तरीके से बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस अ सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है ये हमको पता है, एल्युमिनियम। ठीक है, सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम हम सॉल्ट का नाम ही लिख देते हैं, क्लोराइड प्लस बच्चों क्या बनेगा आपका, वाटर। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, क्या होगी बच्चों केमिकल रिएक्शन, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आपने HCl से रिएक्ट कराया तो HCl, तो आपका बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बच्चों वाटर बनेगा। तो आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे दो एल्युमिनियम है, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 6 आपका HCl हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 वाटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कैसे आपके मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों सेम हम इससे दूसरे बिहेवियर को भी पढ़ सकते हैं कि आपके मेटल ऑक्साइड बेस से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हाउ डू मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस, तो सिंपल लिख देते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेस। ठीक है बच्चों, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से ही समझ लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड से अगर आप समझोगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक होता है, वो आपका एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों,
एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस सोडियम एल्युमिनेट एंड बच्चों वाटर। ठीक है, ये भी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंडर ही आएगी कि अगर आपका आप किसी भी बेसिक ऑक्साइड को सॉरी किसी भी आप एसिडिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा Na(Al)O2 प्लस बच्चों बनेगा आपका H2O। तो बच्चों इसको बैलेंस करोगे तो 2Na 2Al। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज हमने पढ़ा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कैसे आपके मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से मेटल आपके किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं, मेटल ऑक्साइड ऑक्सीडेशन को कैसे प्रिवेंट करती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्लास 10th साइंस की सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ इस चैनल पर हम क्लास 10th साइंस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम मैथ को भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे और आपको NCERT के कैरिकुलम पर पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।